आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव। रोजी दो रोजगार दो, धरना धरती छोड़ दो। रोजी दो रोजगार दो, धरना धरती छोड़ दो। धन्यवाद आप सबों का। और अब हम लोग के बीच हमारे नेता नीतीश बाबू सामाजिक विकास की बात करते हैं, वो भी 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। आप वही मैं अभी पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में बिहार की क्या स्थिति है। तो ये जिम्मेदारी हमारे युवाओं की है कि 85% रोजगार में बिहार के युवाओं की भागीदारी करनी होगी, सुनिश्चित करना होगा। और आप यदि प्राइवेट कॉलेजेज वाले यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको एजुकेशन के साथ रोजगार की गारंटी करनी होगी, तभी हम उनको प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कोचिंग। हम आज जो यहाँ पर पूरा लूट लगा हुआ है, आम आदमी के बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए ये लड़ाई 85% बिहारियों की है। 15% में आप सबको दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप उस बच्चों की नौकरी की प्राथमिकता सुनिश्चित करिए जो बिहार में पॉलिटेक्निक में, सरकारी पॉलिटेक्निक में, अन्य चीज़ों में पढ़ाई कर रहा है, और उसकी प्रतिभा को आप रोजगार में नहीं डाल के पैसे वालों को तवज्जो देते हैं, यह भी हमारे लिए प्राथमिकता है। तो इसीलिए बिहार आज रोजगार के मामले में सबसे निचले पोदान पर है। इस लड़ाई को हम लोगों ने तय किया है कि आर पार की लड़ाई, हम लोग गवर्नर हाउस तक जाएंगे, कोई इसमें कमी नहीं रखेंगे। यह आम बच्चों से, वर्तमान की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। इस लड़ाई पर, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी का जो आज हालात है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से भी नीचे, और इकोनॉमी पर कोई चर्चा हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, चर्चा NRC पे, चर्चा आप सीमांचल को गड़िया रहे हो, सीमांचल के बच्चों को रोजगार की बात नहीं करोगे। मुझे तो समझ में नहीं आता हो, जनाधिकार पार्टी विपक्ष की और जनता की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है, ये जात पात और किसी को मारने वाली पार्टी नहीं है। इन लोगों के तरह इनके घर में बलात्कार हुए, 5 बच्ची दलितों के साथ बलात्कार किया, ये देखने तक नहीं गए, ये यहाँ नाच कर रहे हैं, लौंडा नाच। और हम बेतिया में खाने तक के लिए उसके घर में पैसे नहीं थे, 2 महीना पहले प्रेग्नेंट हो गया, प्रेगनेंसी थी उस बच्ची को जब मुजफ्फरपुर में था। और उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के बाद मेरी लड़ाई कहाँ है? मेरी अब मैं चाहता हूँ बिहार से एक भारत का बदलाव। हमारी पार्टी निश्चित रूप से इस पक्ष में है कि हम सत्ता में जाएं, लेकिन यह नहीं कि सत्ता का केंद्र बिंदु हम ही बन जाएं। आज सत्ता के, सियासत के कुर्सी पर बैठने की लड़ाई नहीं है, एक सत्ता को बदलने की जरूरत है जो भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए खतरा और बिहार के 11 करोड़ लोगों के लिए खतरा बन चुका है। उसके लिए हमें किसी इंडिविजुअल, ये नहीं तो ये नहीं, हम चाहते हैं कि समाज का वह वर्ग जो गरीब है, जो वंचित है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं और इकोनॉमी नहीं है, सबके सीक्वेंस के साथ एक बड़ी पार्टी का अलायंस उसमें नेतृत्व करे। हम क्यों परहेज करें सिर्फ नीतीश जी से? और मैं धन्यवाद दूंगा, लेट आए दुरुस्त आए, भगवान ने यदि बुद्धि दी तो हम चाहेंगे कि सभी लोग कुर्सी का लोभ छोड़ दें, सत्ता का लोभ छोड़ दें। यदि रियल में बिहार और देश से इस आदमी को, आम आदमी को बचाना है इस भय और डर के वातावरण से, तो उन्हें सिर्फ इसीलिए नहीं के नेतृत्व में पूरे बिहार में धरना है। अब हम लोग गाय, जान माल, आदमी को मारने के लिए तो धरना देंगे नहीं। बेटी का बलात्कार हो रहा है, बेटी परेशान है, 5 लड़के ने जानवर से भी बदतर स्थिति बेतिया में कर दी, और कल यहाँ नाच डांस चल रहा था और वहाँ के सांसद है देखने भी नहीं गए। सत्ता पक्ष विपक्ष को कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वो दलित की बेटी थी, गरीब की बेटी गाँव का बलात्कार होता है, तो इसलिए वो सियासत और राजनीति का रंग नहीं चढ़ता है।
कमजोरों की बेटी का बलात्कार में रंग नहीं चढ़ता है। अब रोजगार के सवाल पर कोई देश चिंता ही नहीं करता हो, इकोनॉमी के सवाल पर तो हमारी पार्टी की जो युवा मोर्चा है उन्होंने मरने की तैयारी कर लिया। ये पटना महानगर, पटना दानापुर जिला पश्चिमी और पूर्वी युवा मोर्चा के द्वारा ये धरना है, जिसमें हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा अध्यक्ष बबन सिंह और यहाँ के पटना के युवा मोर्चा साथियों के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का आज संकल्प लिए हैं कि आप दरोगा के बहाली में आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, आपने विधानसभा के बहाली में युवाओं के साथ बेईमानी किया, आप अभी बेटियों की बहाली में बेईमानी हमारे साथ कर रहे हैं, आप अभी डीएड बीएड वाले में, इंजीनियरिंग वाले में, टेक्निकल में आप कह रहे हैं जिसका नंबर ज़्यादा है उसको नौकरी देंगे, तो आप टीचर्स के मामले वाले में आप बदमाशी हम लोग के साथ कर रहे हैं, और रोजगार के मामले में बिहार गरीबी में नंबर वन, बिहार हेल्थ में नंबर वन, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर वन, बिहार इन्वायरमेंट में नंबर वन, बिहार एजुकेशन में, मतलब सब कुछ में बिहार इरिदाज गिरिदाज ऊपर से खरजितिया करेगा इन लोगों का। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, आज से शुरुआत पूरे बिहार में हुई है और फिर ये अंतिम करेंगे जब तक सरकार रोजगार की गारंटी नौकरी हो या उद्योग इसमें तय नहीं करेगा तब तक कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। पप्पू यादव जी, कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी संकेत दिए हैं कि आरजेडी को आपसे परहेज नहीं है, कन्हैया कुमार से परहेज नहीं है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा हमको किसी से परहेज नहीं है, बातचीत होगी, आपकी तरफ से क्या है? भैया मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव ने ये कहा है, मैं देखिए मैं आपको के साथ ये कह रहा हूं। मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में कह दूं, हमारी पार्टी इस बिहार के निर्माण में लगातार 30 सालों 40 सालों से जो बिहार के हालात हैं, बिहार की गरीबी, बिहार में जो आज बच्ची सुरक्षित नहीं है, अब जब चिन्मयानंद जी मोहन भागवत जी के साथ बगल में खाना खाएंगे, जब सेंगर जी मुख्यमंत्री जोगी के साथ घर में बैडमिंटन खेलेंगे, प्रधानमंत्री जी जोगी चिन्मयानंद का हाथ पकड़ के टहलेंगे, जब अरुण यादव जी पैसा फिनांस करेंगे हमारे जैसे राजनीतिज्ञों का, तो बच्ची सुरक्षित होगी? अब फिर सुनिए, हमारी लड़ाई बच्चियों की हिफाजत की है, चिन्मयानंद जैसे नेता जैसे, अब जो लोग अब सब गरीब की बच्ची पर ही, अब पप्पू यादव के घर में कोई नहीं ढुक रहा, अब लगभग 100% जब बलात्कार होते हैं तो उसमें 99% दलित और कमजोर होता है, क्यों आवाज़ नहीं उठती है? हमारी लड़ाई वहाँ है, हमारी लड़ाई एजुकेशन जो सबसे निचले पोदान पर है 21वां स्थान पर उसको लेके है, मेरी लड़ाई हेल्थ भी 21वां स्थान पर उसको लेके, मतलब बिहार में 21 स्टेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें, बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।